आज मुझे चाय पिलाओ शहबाज भेजो, इनको चाय पिलाएंगे और इनके लेंगे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद आपको ज्वाइन करता हूँ। सो कीप वाचिंग अस। ये क्या एफएम चला रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? हेलो जी, मेरा नाम है ज़ैन चांडियो, ये मेरा चैनल ज़ैन चांडियो के नाम से ही है और ये है मेरा तीसरा व्लॉग। क्या आपने मेरा पहला व्लॉग देखा जो जिसका टाइटल था मेरा माई फर्स्ट व्लॉग, उसमें वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था और मुझे पता नहीं था कि यार, मुझे आइडिया भी नहीं था कि आवाज़ सही नहीं आएगी, तो उसके लिए मैं सबको सॉरी कहूँगा। गलतियाँ तो बहुत सारी होती हैं, जब तक मुझे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वॉइस क्वालिटी के बारे में सब दोस्तों ने मुझे बोला। मैंने माइक किया है, परचेस किया है और अभी मैं व्लॉग माइक से बना रहा हूँ, तो अभी देखते हैं कैसी वॉइस क्वालिटी आती है, उम्मीद है अच्छी आएगी। यार काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ जो है डिफरेंट किया जाए, तो फिर मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया फिल्म मेकिंग का कोर्स किया जाए, मतलब ऐसी कोई हल्की फुल्की चीज़ टाइप की जाए, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ व्लॉगिंग उसके हिसाब से कुछ हो या ऐसा कुछ हो। तो फिर मैंने मेरा एक दोस्त इरफान को मैंने बोला कि यार कुछ ऐसा कुछ बताओ, तो उसने बोला कि यार एक सेंटर है अभी नया नया खुला है। तो कहानी ऐसी है कि अभी मैं जा रहा हूँ इरफान के पास, इरफान मेरा वेट कर रहा है, इरफान अपनी ऑफिस से फ्री हो गया, अभी शाम का टाइम है तो उसकी छुट्टी हो गई होगी और मुझे उसने मैसेज किया है कि आ जाओ, वो अभी मेरे लिए रास्ते में खड़ा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं इरफान के पास, इरफान को उठाऊँगा और फिर हम जाएँगे सेंटर पर और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, अभी कुछ नहीं पता, फिर देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। कहानी अब इतनी है कि पहुँच गए हैं अभी हम इरफान भाई के पास, उसने बोला था मैं यहीं कहीं फुटपाथ पर खड़ा हूँ और यार बेचारा तकरीबन आधे घंटे से तो खड़ा हुआ होगा वहाँ पे, ऑफिस से आया था अभी जॉब से और अभी वहीं पे ही खड़ा होगा मेरे ख्याल में, उसने बुलाया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लेकिन नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी, पता नहीं कहाँ गया बेचारा। अरे यार उसने मुझे बहुत सारी कॉल्स की हैं, 8-10 कॉल्स तो किए हैं इतने टाइम में। इरफान भाई तो दूसरी साइड खड़े हैं, हम उसको दूसरी साइड ढूंढ रहे थे, इरफान भाई दूसरी साइड खड़े हुए हैं, सामने इरफान भाई खड़े हुए हैं, पोज मार के खड़े हुए हैं, बड़े पोज मार के इरफान भाई ट्रैफिक के बीच में खड़े हुए हैं। यार वैसे बर्गर लग रहा है, दाढ़ी वाड़ी इसने कटा ली है, आ जा भाई। हाँ जी, तो इरफान भाई की कहानी ऐसी है कि जब भी भाई के पास आओ ये बोलता है आ जाओ, बस ये भी हो गया ना आ जाओ, ये भी हो गया ना बस आ जाओ, जब इसके पास आओ तो फिर कहता है यार पहले उसे फ़ोन करके तो पूछूं, अभी कह रहा है यार दोस्त से पूछूं तो सही सेंटर है कहाँ, मुझे बोला था बस आ जाओ सेंटर चलते हैं आ जाओ, अभी भाई रोड पे खड़े हैं हमें बोल रहे हैं अब दोस्त को फ़ोन करेंगे, जस्ट अ मिनट पूछेंगे कि यार जो ये सेंटर कहाँ है, वालेकुम सलाम, सेंटर है ही नहीं, चलो फ़ोन पर बात कर लो। चलो जानी खैर तुम बता। हाँ जी यार बोलो। हमेशा इरफान भाई ऐसे करते हैं, बुलाते हैं, बिल्कुल पक्का आसरा देते हैं कि भाई तुम्हारी कहानी है कि तुम्हारी फ्लाइट ओके है, तैयार हैं, तुम उड़ने वाले हो और अभी हम आए, तो अभी इरफान भाई बोल रहे हैं कि यार वो सेंटर थोड़ी है, वो भाई लोग क्या करते हैं, वो खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं, मुझे घर से तैयार करके निकलवा के आया है कि भाई चलो तुम्हें सेंटर लेके चला हूँ, वहाँ पे तुम्हें एडमिशन दिलवाता हूँ, फिल्म मेकिंग का कोर्स करोगे तुम, मैं तो बड़े ख्वाब लेके आया था, करो आप बात करो सही आप करो, मैं कुछ असल में मैंने देखी थी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, तो उसमें उसने मेंशन किया था कि ये फिल्म मेकिंग का शॉर्ट कोर्सेज भी कराते हैं, एनिमेशन डिजाइनिंग ये वो, तो उस हिसाब से मैंने ज़ैन को रिकमेंड किया था कि यार आप अबे अंग्रेज छोड़ भाई, अब कहीं और चलें भाई, ये कहानी मतलब कहानी अब ये है कि अब हम कहीं भी जा रहे हैं, चलो चाय पिलाओ भाई, चाय पिला रहे हो? चाय पिला रहा हूँ। तो चलो शहबाज पे चल दे, कैफे शहबाज पे चल दे, और कुछ है नहीं करने को, वही करते हैं। मैं आया नहीं हूँ यार, मैं आया हूँ, सही से आया हूँ, मैं पूरा आया हूँ, पूरा आया हूँ भाई, पूरा आया।
अभी हम शहबाज पे पहुंच चुके हैं और सामने जो है ना क्या बोलते हैं इसको, सूरज सनसेट सनसेट में टाइम है थोड़ा, जो जो भी है सन जो है वो सेट नीचे बैठा है सन जो है वो सामने से आ रहा है, इसलिए हमने ये पहना है चश्मा। बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है मुझे नहीं पता यार। चाय पिए खाएंगे, फ्राइज बहुत अच्छी है यहाँ की, फ्राइज बहुत मज़ा देती है इस टाइम को। ये रोड वोड थोड़ा दिखाओ यार, बाहर निकलो थोड़ा, रोड तो दिखाओ भाई, रोड दिखाने, रोड दिखाने के कुछ लूंगा मैं, दे दूंगा तेरे को। हाँ जी, तो अभी हम बैठे हैं दरी कैफे शहबाज पे और ये इसका व्यू मुझे बहुत पसंद आता है यार। ये रोड यहाँ से गाड़ियाँ बड़ी तेज़ जाती है और हवा बहुत है, आवाज़ पता नहीं सही आ रही नहीं आ रही है, गाड़ियों की भी आवाज़ है, ये गाड़ियाँ बहुत तेज़ जाती है यहाँ पे। तो ये रोड पर मुझे ना बड़ा रोड पसंद नहीं है। और ये इरफान भाई हमारे, इरफान भाई बैठे हुए, इरफान भाई हेलो, हेलो इरफान भाई बैठे हुए, इरफान भाई का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है मेरे ख्याल में, पीछे सूरज बंदा ही अच्छा हो तो व्यू भी अच्छा आएगा माशाल्लाह। चलो उसको फिर काट देते हैं तो कहानी ऐसी है कि चाय आ गई है और आवाज़ का पता नहीं यार यहाँ पे सही आ रही है नहीं आ रही है, माइक मेरा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और ये चाय तो आ गई, चाय पीते हैं फिर देखते हैं और कुछ। अभी हमारे इरफान भाई के दिमाग में अचानक से आ गया कि एक सेंटर है, कौन सा, एरिना मल्टीमीडिया सेंटर है लतीफाबाद पे, तो उधर ये सारे कोर्सेज शायद करवाते हैं, तो अभी हम वहाँ पे पूछने जा रहे हैं यार, देखते हैं कहीं से कुछ मिल जाए। तो अभी जा रहे हैं वहीं पे, चाय वाय पी लिए, थोड़ा दिमाग अभी चल भी रहा है, शायद चाय के बाद इसको समझ जाइए कोई बात, चाय भी है फिर ये बात कही। चलो तो अभी जाते हैं वहाँ जाके फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई लोग कहानी है कि इरफान गए अभी एड्रेस पूछने, हमें एड्रेस नहीं मिल रहा यार यहाँ अपना एरिना का, पता नहीं है कहाँ पे एरिना छुपा हुआ है। इरफान गए हैं अभी देख रहे हैं, फाइनली आई गॉट द एड्रेस मैन। ओके भाई, पूछ के आया एड्रेस, ऐसे बोला जैसे कश्मीर ढूंढ के लाया है। चलो देखते हैं कहाँ पे ये, कहाँ पे, यहाँ से सीधा चलेंगे सही से, हाँ सही से उल्टे हाथ मुड़ेंगे यार, मैं शक्ल तो देख कैसी हो। कहानी हमारी यहीं पे रुक गई है, ट्रैफिक भी रुक गई है। अरे भाई हाँ, तो हमें जो है इरफान भाई, हमारे इरफान भाई जो है खुद को गूगल समझते हैं, इसको एक सेंटर नहीं मिल रहा। अभी हम गए तो थे लेकिन हमें मिला नहीं है, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, बस अब वापस जा रहे हैं, नहीं मिल रहा यार, देर भी हो रही है, पढ़ते हैं कल देखते हैं इसको एरिना को, आज छोड़ते हैं और क्या करें भाई, बस घर चलते हैं। अभी घर चल के क्या करते हैं फिर, मैं तो जाऊंगा नहाऊंगा अच्छे से। अच्छा तुम तो पता नहीं जैसे सालों से नहीं नहाए हो यार, फिर देखते हैं, फिर घर पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर व्लॉग को ख़त्म करते हैं भाई। ख्वारी कर ली आज, बड़ी ख्वारी कर ली, इस व्लॉग का नाम ही मैं क्या रखूँगा, ख्वारी रख दो, ख्वारी रखूँगा। हाँ जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं घर और घर पे भी कोई नहीं है, लगता है आज किस्मत में ही कुछ नहीं है, मतलब सेंटर गए सेंटर भी नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ आज, सारा खौरी प्रोग्राम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन सेंटर के चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं, इसके पीछे पढ़ेंगे, कल फिर जाएंगे इसके पीछे और ये सेंटर ढूंढ के रहेंगे, गूगल करते हैं रात, इसको गूगल देखते हैं यार, ये पता चल जाएगा इसका एड्रेस यार, आज एड्रेस नहीं मिला हमें, कोई बोला था वहाँ जाओ, कोई बोला था वहाँ जाओ, वहाँ वहाँ जाते जाते मिला ही नहीं। चलो खैर, इंशाल्लाह और भी कंटेंट पे काम करूँगा मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट आए, अभी तो मेरा तीसरा व्लॉग है सिर्फ, तो आगे चल के और भी अच्छे व्लॉग्स आएंगे और मिलते हैं कल आपसे अगले व्लॉग में। अभी व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।